मौजूदा दौर के हिंदुस्तान की भावनाओं का उफान समझकर उसी के हिसाब से बन रहे दक्षिण भारतीय सिनेमा में भले ही इन दिनों फिल्में बनाने का बजट को लेकर तगड़ी बहस चल रही हो, लेकिन वहाँ की फिल्मों की तरफ हिंदी पट्टी के दर्शक अभी भी आशा भरी नजरें लगाए रहते हैं। बाहुबली सीरीज की फिल्मों के बाद आरआरआर की कामयाबी ने अतीत की कहानियों को भारतीय संस्कृति की खुशबू के साथ परोसने का एक नया दौर शुरू किया है और इसी दौर की नई तेलुगु फिल्म है कार्तिकेय 2। ये फिल्म अपनी मूल भाषा के साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज हुई है। कृष्णा इज ट्रूथ यानी कृष्णा ही सत्य है को फिल्म कार्तिकेय 2 ने अपना आधार बनाया है। फिल्म की कहानी डॉक्टर कार्तिक के साथ शुरू होती है, जिसे हॉस्पिटल से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और वो अपनी माँ के साथ द्वारकापुरी घूमने आता है। वहाँ कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि क्यों ये लोग उसे मारना चाहते हैं। तभी उसे द्वारका के एक रहस्य के बारे में पता चलता है, जिसकी खोज में वो वृंदावन से होता हुआ हिमालय पहुँचता है। यही उसकी मुलाकात धन्वंतरी से होती है, जो कृष्ण के स्वरूप और उनके कार्यों को बताते हैं। इस खोज में उसकी मदद करने के लिए कहानी के बाकी किरदार आगे आते हैं। फिल्म कार्तिकेय 2 के माध्यम से हिंदू धर्म की सनातन परंपरा को दिखाया गया है, जिसने पश्चिमी सभ्यता को बहुत कुछ दिया है और अब भी दे रही है। कार्तिकेय 2 दरअसल साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कार्तिकेय का सीक्वल है। डॉक्टर कार्तिक भगवान कृष्ण का कड़ा हासिल करके आता है और दुनिया को उसके फायदे बताता है कि किस तरह से आगे आने वाली महामारी को उस कड़े से रोका जा सकता है। यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है और आगे की कहानी का क्लू छोड़ देती है। इससे समझ में आता है कि इस फिल्म का पार्ट 3 भी बनेगा। फिल्म में कृष्ण का किरदार ग्राफिक्स के जरिए पेश किया गया है, साथ ही फिल्म में कृष्ण को लेकर तमाम खुलासे हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इष्ट देव के अवसान की कहानियां सुनना, पढ़ना या सुनाना वर्जित है। इसी के चलते तुलसीदास लिखित रामचरितमानस का 8वां अध्याय यानी लवकुश कांड नहीं पढ़ा जाता है। फिल्म कार्तिकेय 2 कृष्ण के अवसान की कहानी में इन वर्जनाओं को तोड़ती है। फिल्म कार्तिकेय 2 में डॉक्टर कार्तिक की भूमिका निखिल सिद्धार्थ ने निभाई है। हर सीन में उनकी मेहनत साफ झलकती है। फिल्म में बहुत सारे एक्शन सीन्स भी है, जिसे उन्होंने बखूबी किया भी है। फिल्म कश्मीरी फाइल्स के निर्माताओं के साझेदारी से बनी इस फिल्म में अनुपम खेर काफी अरसे बाद किसी दक्षिण भारतीय फिल्म में दिखे हैं। अपनी चिरपरिचित अदाकारी से अनुपम खेर ने फिर अपना प्रभाव फिल्म के कथानक पर छोड़ा है। वो कहानी के कथन में कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं। मुग्धा के किरदार में अनुपमा परमेश्वरन, सदानंद के किरदार में श्रीनिवास रेड्डी, सुलेमान के किरदार में हर्ष चेमड़ू और शांतनु के किरदार में आदित्य मेनन का काम सराहनीय है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी संतोषजनक काम किया है। निर्देशक चंदू मोंडेती ने फिल्म कार्तिकेय 2 की कहानी भी खुद ही लिखी है। फिल्म का जो विषय उन्होंने चुना है उसको पूरी तरह से पर्दे पर अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश भी भरपूर की है। इंटरवल के पहले कुछ जगह सीन्स थोड़े कमजोर लगते हैं, लेकिन फिल्म की खासियत यह है कि वो अपने विषय से भटकते नहीं। इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। फिल्म की कहानी जब द्वारकापुरी से वृंदावन होते हुए हिमालय पर पहुंचती है, तो उस दृश्य को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि दर्शक वाकई हिमालय की खूबसूरत वादियों में पहुंच गए हो। सिनेमेटोग्राफर कार्तिक घट्टामनी ने ही इस फिल्म की एडिटिंग भी की है। फिल्म का कमजोर पक्ष है इसका संगीत, जो उत्तर भारतीय संवेदनाओं पर खरा नहीं उतरता। हाँ, फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब होते हैं। 1 घंटे 50 मिनट की फिल्म कार्तिकेय 2 में सनातन धर्म को विज्ञान से जोड़कर दिखाया गया है। साथ में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि आज के युग में भी कृष्ण हमारे लिए कितने उपयोगी है। फिल्म उन्हें एक अच्छे वास्तुशिल्पी और एक बेहतर संगीतकार के तौर पर भी प्रस्तुत करती है। दक्षिण भारतीय सिनेमा में रुचि रखने वालों के लिए ये फिल्म कार्तिकेय 2 पारिवारिक मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम दिखती है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।